नमस्कार, मैं हूं अशोक अल्वेला और आप देख रहे हैं मूज न्यूज। मूज न्यूज के इस प्रोग्राम क्लीन बोल्ड में आप सभी का स्वागत। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए, जिसमें क्रिस लीन 74 व दिनेश कार्तिक ने 43 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। उसके बाद फिर क्रिस गेल का आतंक शुरू हुआ, जिसने 62 रन ठोका और कर्नल लोकेश राहुल ने 60 रन, जिसके परिणाम हुआ कि 9 विकेट से एक बार फिर किंग्स इलेवन पंजाब मैच जीत गया। गेल का खेल अभी भी जारी है, जबकि कर्नल लोकेश राहुल का आतंक भी कायम है। कहीं ना कहीं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ये खुशी की खबर है, ये अच्छा संकेत है। वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दिल्ली डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हरा है। 74 रन बनाए दिल्ली डेयरडेविल्स। उसके बाद डिविलियर्स का खौफनाक अंदाज, 39 गेंदों में 90 रन ठोके, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के उड़ाए। एक बार फिर डिविलियर्स का कहर दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए। कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु मजबूत स्थिति में डिविलियर्स के फॉर्म के आने के बाद डिविलियर्स के बदौलत 6 विकेट की जीत मिली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। वहीं आज आईपीएल में खेले जाने हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स शाम 4 बजे से, जबकि रात 8 बजे से राजस्थान रॉयल्स वर्सेज मुंबई इंडियंस। क्या होगा मैच का स्कोर, क्या होगा मैच का नतीजा, पूरी डिटेल लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मुझे।